वर्ष 1978 में गंडक परियोजना के नाम से मुजफ्फरपुर के बागमती की परेशानी से ग्रामीणों को बचाने के लिए योजना की शुरुआत की गई थी और उस समय बसघट्टा में गंडक परियोजना के कार्यालय की भी खोला गया था जहां पर अब ताला लटका हुआ है और 27 वर्षों तक यह योजना जो है स्थिर था। इसके बाद 2000 में पुनः बागमती परियोजना के नाम से इसकी शुरुआत हुई और 2006 तक और आई के कुछ क्षेत्रों तक इसका निर्माण शुरू हुआ। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी से आने वाली बाढ़ से बचाने के लिए औराई कटरा और गायघाट प्रखंड के गांव को बचाने के लिए गंडक परियोजना के नाम से इसकी शुरुआत 1978 में की गई। करीब 50,000 की आबादी सीधी रूप से इससे प्रभावित है। मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिला के करीब 150 गांव पर इसका असर पड़ता है। इसके बाद 1980 तक संबंधित किसानों को मुआवजा भी दिया गया लेकिन 27 सालों तक फिर इस परियोजना को स्थिर कर दिया गया। इसके बाद सेकेंड फेज में काम शुरू हुआ वर्ष 2000 में, जिसमें साल 2006 तक औराई के कुछ क्षेत्र तक बांध निर्माण हुआ लेकिन फिर कार्य धीमी हो गई, ये योजना लटक गई। ग्रामीणों के द्वारा बांध का विरोध भी हुआ क्योंकि बांध निर्माण से पहले एक दो सप्ताह के लिए बाढ़ आती थी। जब से निर्माण शुरू हुआ तो बांध के बाहरी इलाकों में साल के 6 महीने तक पानी जमा रहने लगा। 1978 में बागमती परियोजना की शुरुआत हुई और बसघटा में इसका कार्यालय भी खोला गया था जहां अब ताला लटका रहता है और उसकी रखवाली के लिए एक गार्ड रहता है। जंगली जानवरों और एक प्रकार की घास गुड़हन के बीच सांप के साथ विस्थापित सालों से रहते आ रहे हैं। 2021 में जब एक बार फिर बाढ़ से औराई कटरा और गायघाट प्रखंड में तबाही मचा रही है। मेरे हिसाब से 1967 से हुई, ऐसे रिकॉर्ड में 1977 से है लोग कहते हैं, जिसका प्रमाण बागमती परियोजना का कैंप बसघट्टा में बना हुआ है जो शुरुआत में ही वो उनके लिए ऑफिस का निर्माण हुआ था। उसके बाद वो मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी रोड तक उसका निर्माण हुआ 1907 से पहले और 2007 से पहले, सॉरी 2007 से पहले कटौझा से पश्चिम इसका निर्माण हुआ और 2007 के बाद कटौझा से सेकेंड फेज आया कटरा प्रखंड के मोहनपुर तक, औराई प्रखंड के बसुआ तक ये बांध का निर्माण हुआ। वहाँ तक 20,000 से ऊपर आबादी थी जो प्रभावित हुआ, उसमें से बहुत सारे लोग निकल के चले गए। बहुत अभी 8-10 हज़ार प्रभावित लोग वहाँ अभी भी विस्थापन का अति बोझ झेल रहे हैं। अब कटरा प्रखंड में जब प्रवेश किया है तो 2009 में प्रवेश करने के बाद ये बांध का निर्माण कटरा बगची से आगे बेनीबाद के लिए जब चली है तो वहाँ से बर्री पंचायत तक दोनों तरफ इस बांध का बायां दायां तटबंध निर्माण हो गया, जिसका विरोध हम लोग कटरा में प्रवेश करने के बाद ही करना शुरू किए। इस पर हम लोगों ने चीफ मिनिस्टर से भी मिला और वो भी आश्वासन दिए कि बांध से फायदा नहीं है, इसको देखिए क्या है, इन लोगों को मदद कीजिए। पानी छूटा है वहाँ से आया है जो बागमती मिला है बर्री, अब बर्री से पानी चारू बल छिड़ियाया है, वो चाल पानी लौट कर फिर जाता है सेतपुर से लौट कर वो मरकारी जजुआर फजुआर इस सब में ख़त्म करता है। यहाँ बर्री से पानी जाकर बर्री में क्या होता है, कौन सा पानी का मिलन होता है? दोनों बागमती आती दोनों, तो बर्री में क्यों मिलन होता है? यहाँ बांध छूटा हुआ है। कौन सा बांध है? अच्छी योजना वाला बांध है, परियोजना का। हाँ, योजना वाला। लोग क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं जो बांध बढ़ाइए। अच्छा, ये पानी कहाँ कहाँ फैल जाता है? फैलता है बहुत दूर तक, ये बुधकौरा त्यौहारा इमरकारी जढ़ौर फरहौर ये सब तर गंगिया उंगिया सब तर पानी है। एगो तो गंगिया तो डूमले रहता है, जब नहीं डूमेगा तब टेम्हरो डूमा रहता है। बागमती परियोजना पर SDM ईस्ट डॉक्टर कुंदन कुमार ने कहा कि निश्चित रूप से बागमती परियोजना पूर्ण नहीं होने से औराई प्रखंड के कुछ पंचायत और कटरा एवं गायघाट के नदी के पास वाले सभी पंचायत काफी प्रभावित हैं। देखिए, जो बागमती प्रोजेक्ट है उसका लेफ्ट एंड राइट एम्बैंकमेंट बनना है जो लगभग
हम लोग औराई ऑलमोस्ट बना चुके हैं, लेकिन फिर भी इसके 5 गांव अभी विस्थापन संबंधित जो नीति है उसके तहत उनको मुआवजा नहीं मिलने के कारण अभी वो लोग पूर्ण रूप से शिफ्ट नहीं हुए हैं। तो वो 5 गांव औराई का, और उसके बाद उधर से कटरा और गायघाट का पूरा स्ट्रेच, चूँकि भूअर्जन में जो मतलब ज़मीन ली जानी है उसका प्रॉपर अभी मुआवजा नहीं उन लोगों के द्वारा दिया गया है, और उन लोगों के द्वारा मुआवजा लेने का भी विरोध हो रहा है। तो दोनों बातें हैं, हम लोगों के स्तर से अभी मुआवजा पूरा हम लोग दे नहीं पाए हैं, और वहाँ पर स्थानीय कुछ लोग बार बार जो मुआवजा दिया जा रहा है उसका विरोध भी कर रहे हैं कि राशि कम मिल रही है। बागमती परियोजना के पूर्ण नहीं होने से मुजफ्फरपुर जिले के और सीमावर्ती इलाके दरभंगा और समस्तीपुर जिला के लगभग तीनों जिले की यदि हम बात करें, जिसमें सबसे ज़्यादा कटरा, गायघाट और औराई प्रखंड जो मुजफ्फरपुर अंतर्गत है, 150 गाँव सीधे रूप से प्रभावित है, जहाँ पर लोगों को 6 महीने से ज़्यादा तक बरसात में बाढ़ के पानी से परेशानी होती है, और गुरहन एक देहाती घास है, जंगली घास जो किसी फसल को उपज नहीं होने देती है, उसके अंदर सांप रहता है, तो ऐसे इन परेशानियों से उन्हें गुजरना पड़ता है। हमने आपको दिखाया कि जिस समय तरह से बागमती परियोजना का कार्यालय में ताला लटका हुआ है, यह परियोजना फिर एक बार ठंडे बस्ते में चली गई है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा।